1984 के दंगे और सिखों के नरसंहार के लिए हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को जिम्मेदार मान लिया। सज्जन कुमार को सजा के तौर पे सजाए मौत देना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि सज्जन कुमार की वजह से ही देश के अंदर 8,000 से 13,000 सिखों का नरसंहार किया गया और इस नरसंहार के जिम्मेदार सज्जन कुमार को मैं आशा करता हूं कि उच्चतम न्यायालय सजाए मौत अवश्य देगा। गई थी सज्जन कुमार कांग्रेसी नेता है और एक कांग्रेसी नेता के रूप में 1984 के दंगे को भड़काना, सिखों का नरसंहार करवाना, ये कहीं ना कहीं प्रदर्शित करता है कि कांग्रेस की मानसिकता सिखों के प्रति ऊंची रही है। हाईकोर्ट ने मान लिया है कि इन दंगों के पीछे सज्जन कुमार थे, सज्जन कुमार को सजा दे दी गई है। स्पष्ट है कि दंगे के लिए कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को जिम्मेदार ठहराया जा चुका है।